तो हेलो गाइस, आज ना स्कैरी स्ट्रेंजर ने, यानी हमारे ग्रुम्पी अंकल ने, मैडम के लिए जो ऊपर शीशे में देख के अपने आप को निहार रही है, इसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ये इसको इस ड्रोन के जरिए हवा में उड़ते हुए आई लव यू मिस्टी दिखाना चाहता है, इसका जो प्लान है। बट हम इस प्लान को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और हम इसी ड्रोन के सहारे स्कैरी टीचर को ऐसा खतरनाक झटका देने वाले हैं ना, जो कि ये सोच रहा है ना, विल यू मैरी मी, हाँ सॉरी, विल यू मैरी मी ये लिखना चाहता है, वो भाई इसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। अभी देखना आप क्या होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक पुरानी वीडियो के साथ, स्कैरी स्ट्रेंजर 3D की नहीं, स्कैरी टीचर 3D की एक वीडियो। बस इसमें स्ट्रेंजर भी है हमारा अंकल ग्रुम्पी, जो कि इस वक्त एक ड्रोन ले आया है अपने साथ, और उस ड्रोन के सहारे वो मिस्टी को प्रपोज करना चाहता है, शादी के लिए कहना चाहता है। भाई पहले ये बता, तो 55 साल की हो चुकी है, अभी शादी करेगी? भाई ये सर बोरिस जॉनसन ने अभी तो करी है, कर सकती है, चलो ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिलहाल अंकल जो है स्कैरी टीचर को इस तरीके से प्रपोज करना चाहता है, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब चीज़ें आराम से हो जाएं एलेक्स के रहते हुए। एलेक्स नाम है, क्या नाम है इसका, जो भी है। फिलहाल स्कैरी टीचर ऊपर नाच रही है, एंड यहाँ पर हम अंकल का जो ड्रोन है उसे ख़राब करने चलते हैं। तो इसका जो ड्रोन है वो रखा है एक जगह पर, फाइंड द ट्रेजर मैप। तो हमें ट्रेजर मैप सबसे पहले ढूंढना है। वैसे तो मुझे पता है कि ड्रोन हमारा किधर है, बट हम पूरा मज़े से पूरे मिशन को करेंगे लाइन बाई लाइन जैसे हम करते हैं। देखो ये रहा, और इसका हमें चाबी ढूंढनी है, जो कि कहाँ पर रखी है मुझे नहीं पता भाई, कहाँ पर रखी है। ओके चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं फाइंड द ट्रेजर मैप। तो हम जाएंगे इसके, ओए 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 मैडम, ओ मैडम, ओ मैडम, पकड़ लिया, खुश हो जा, पकड़ के बैठ गई, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास है अनलिमिटेड एनर्जी पैक। द ट्रेजर मैप इज ऑन द फ्रिज। ओके तो हमें इसके किचन एरिया में जाना है, एंड जहाँ पे इसका फ्रिज है उधर ट्रेजर मैप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो गाइस, ये रहा इसका फ्रिज और यहाँ पे लग रहा है ये ट्रेजर मैप। इस पे हम अगर देखें तो टेरिस का रास्ता दिखा रहा है कि टेरिस पे इसका जो ट्रेजर है वो चुपका हुआ है। ओके नेक्स्ट मैप मतलब, तो हम चलते हैं, एंड ये जग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो जग को अपने साथ ही लेके रखते हैं, एंड अभी हम यहाँ से चलते हैं। निकलो भाई, निकलो निकलो। ओके अभी हम सीढ़ियों के सहारे ऊपर साइड को चलते हैं, फिर हम वहाँ से जो सेकंड मैप है उसे भी चेक कर लेंगे। यस, एंड स्कैरी टीचर हमारे अंदर ही घूम रही है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे इससे डर किसको ही लगता होगा भाई, इससे किसी को डर नहीं लगता होगा, बट यही है कि पेगा पकड़ ले तो गेम ख़त्म हो जाता है, सारी जो प्रोग्रेस है वो। बट चलो कोई नहीं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा कर सकते हैं। ओके फिलहाल हम ये सीढ़ी अपने हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि उतरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फायर प्लेस। ओके नेक्स्ट जो हमें क्लू मिलने वाला है, मैप मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है फायर प्लेस में, ऐसा ये रूफ वाला मैप हमें बताता है। तो चलो अभी हम फायर प्लेस वाले एरिया में चलते हैं, एंड वहाँ से जो अगला मैप है उसे देखते हैं। फ्रांसिस की यहाँ पे शर्ट पड़ी हुई है, और इसकी भी हमें आवश्यकता है, जिसको मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में। सबसे पहले हम चलते हैं, और ये पानी मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि हमें ये आग बुझानी है। ठीक है ठीक है, ऐसी लागी अगन, अब हमने इसे बुझा दिया है। एंड ये जो मैप है इसको थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, बैठ गया भाई। ओके ओके बैठ गया, ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मैप हमें जाना है इसके जो बाहर साइड को, जो गराज एरिया पता नहीं क्या है, वो कबाड़ खाना, उसमें जाना है हमें। एंड उस कबाड़ खाने में जाके हमें इसका नेक्स्ट क्लू या फिर फाइनल हमें की मिल जाएगी। ऑफ कोर्स हमें फाइनल की वहीं पे मिलने वाली है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी जाके ले सकता था। आपको ये मिशन अगर बहुत जल्दी कंप्लीट करना है ना, अब देखो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, समझो। अगर आपको जल्दी मिशन ये कंप्लीट करना है तो सीधे इधर आ जाओ और ये की उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये ग्लू उठाओ संग में, ठीक है। एंड फिर हमें जाना है सीधे उस ड्रोन के पास। एंड गाइज अभी हम इस ड्रोन के पास आ चुके हैं, एंड यहाँ अभी एक मिनट यार रुक जाओ, इस टेबल का कोई यूज़ नहीं है, बस ये यहाँ पे यूं ही हमें अड़ाने के लिए रख रखी है हमारे बीच में, हम टांग अड़ जाए, हम गिर जाए, हम मर जाएं। कैसा स्कैरी टीचर भाई तू, स्कैरी गाइज, स्कैरी टीचर एक बात बताओ आप लोग मुझे कमेंट में, आजकल मैं दो वीडियो डाल रहा हूँ दिन में, याद है, देख लो भाई जितना एक महीने की कसर है सारी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोग चाहते हो कि हम इसका ही टीचर 3D का स्टोरी डे, ये स्टोरी डे भूला नहीं हूँ मैं भाई, स्टोरी डे कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़े दिनों के बाद फिर से। स्कैरी टीचर स्टोरी डे वीडियो पार्ट 3 क्या आप लोग चाहते हो? क्योंकि पहला पार्ट सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा था हमारे चैनल पे, और भाई इस पीछे क्यों पड़ चुकी है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस से, यार पीछे छोड़ दे, थैंक यू सो मच। ओके, तो मेरा जो स्कैरी टीचर की स्टोरी डे वीडियो का पहला पार्ट है वो सुपर डुपर हिट रहा था, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो भी एक हिट ही माना जाएगा क्योंकि उसमें 2 लाख व्यूज हो गए, बड़ी आराम से इजीली हो गए थे। तो आप लोग चाहते हो तो मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा, एंड जो लेजेंड हमारी है, लेजेंड हमारी हॉरर कैरेक्टर ग्रैनी, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर भी स्टोरी डे वीडियो बनाऊं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एक और चीज़, बेबी इन येलो, जिसका आपको पता होगा मैंने एंडिंग अभी करी नहीं है, उसकी एंडिंग नहीं करी, उसके 2 पार्ट बन चुके हैं, 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उन्हें जाके देख लो। जिस दिन उन पर 10,000 व्यूज़ कम्प्लीट हो जाएंगे ना उन दोनों ही वीडियो पर बेबी इन येलो की, तो मैं इसका थर्ड पार्ट बना दूंगा। एंड जिस दिन स्कैरी टीचर की स्टोरी डे वीडियो पे, यानी स्कैरी टीचर की जो स्टोरी डे वीडियो पार्ट 2 है उस पर कितने 20,000 या 30,000 व्यूज कंप्लीट हो जाए, नहीं, सुनो सुनो गाइस गाइस, 2 मिनट, हाँ, स्कैरी टीचर की स्टोरी वीडियो पे जिस दिन 5 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हम इसका पार्ट 3 भी ले आएंगे और बना देंगे कुछ भी स्टोरी। आप लोगों को तो पता ही यार, स्टोरी मेरी सारी ऐसी होती है फिक्शनल, ऑफ कोर्स यार कौन यकीन करता होगा, बट सारे मजे के लिए हैं, यानी देखो भूल जाओ 2 घंटे बाद छुट्टी, मज़ा आना चाहिए बस, ठीक है। आप लोगों को पसंद आती है मुझे मेरी स्टोरी डे वीडियो, मुझे पता है, कमेंट में बताओ स्टोरी डे पसंद आती है ना। एंड यहाँ पे फ्रांसिस की जो ए जैकेट सी है इसमें से हमने ये निकाल लिया है, एंड जो डेडली वाला जो हमारा पासकोड टाइप है वो है ऊपर वाला, जिसके तहत पर्पल ब्लू ऑरेंज येलो ग्रीन हमें लगाना है, ठीक है। एंड एक सेकेंड, एक और बार ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर गलती से गलत लग गया भाई साहब मेरा फट जाएगा पूरा वो ड्रोन मेरे आंखों के सामने, और एलेक्स मर जाएगा, पकड़ ले भाई गला पकड़। मैडम बड़ी बच्चा वो है, बच्चा बख्शी है, ये बच्चा बख्शी है औरत, मतलब इसको ये भी नहीं अंदाजा कि गर्दन पकड़ने से उसको वो मर सकता है भाई एलेक्स, बट नहीं इसको नहीं फर्क पड़ता, इसको तो उठाना है गर्दन पकड़ के। एंड जिन लोगों ने भाई वो बच्चे की फ़ोटो नहीं देखी और आज भी, अगर मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती है, मेरी स्कैरी टीचर की स्टोरी डे वीडियो में इतनी सारे व्यूज़ हैं, इतने सारे लाइक्स हैं, ऑलमोस्ट 40,000 लाइक उसमें हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, बट यार उसमें कमेंट सेम क्यों आते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता, आप लोग कुछ यूनिक कमेंट क्यों नहीं करते उस पर, मतलब समझ में नहीं आता यार मेरे को, कभी कह सकता है फिर लोग ये ना समझे कि अभी पेड़ व्यूज हैं, नहीं भाई वो कमेंट सेम सेम आते हैं, हर लोग सेम कमेंट करते हैं। एंड एक और चीज़, जो मेरे ग्रैनी की जो मोस्ट वॉच वीडियो है जिस पर करीब 20 लाख व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें भी सिर्फ 300 कमेंट है भाई, ये कैसे हो सकता है, पता ही नहीं क्या है। फिलहाल स्कैरी स्ट्रेंजर ले आया है इसको आंख बंद करके, एंड यहाँ पे Will you marry me, Misty? But नहीं, ये ड्रोन तो Misty के पीछे ही पड़ गया है, और Misty को उठा के हवा की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा चारों तरफ क्या जोर से टकराई है, अब बेचारी चिपक गई दीवार पे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो इंस्टाग्राम एंड कमेंट कर दो डूडल्स, मुझे पता चल जाएगा आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, डूडल्स करना है, डूडल्स डूडल्स।